जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी को हर रोज अपने घर के आसपास सफाई अभियान चलाकर शहर को स्वच्छ रखना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। पुष्प अर्पित करने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने सफाई कर्मचारियों के साथ सामूहिक भोजन भी किया और नगर निगम सभागार में स्वयं सहायता समूह और सफाई कर्मचारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। के दिन दो फूल खिले थे जिनसे महका हिंदुस्तान, जय जवान जय किसान। तो महात्मा गांधी जी के जन्म तिथि और प्रधानमंत्री पूर्व स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म तिथि पर पूरे देश में स्वच्छता का अभियान चल रहा है और उसी के साथ जगह जगह अपने प्रकार के कार्यक्रम जैसे यहाँ नगर निगम ने किया है। जिन लोगों ने पर्यावरण की दृष्टि से होम स्टे या इत्यादि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए हैं उनको नगर निगम आज सम्मानित कर रहा है। ये कार्यक्रम यहाँ हुआ है, सुबह वृक्षारोपण और सफाई का कार्यक्रम हुआ है। ये बहुत से कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल पहले जो आह्वान किया गया था सफाई हो, आज वो प्रत्येक व्यक्ति का को अपना काम सा लगता है। तो ये आह्वान उन्होंने जो किया वो आज पूरे देश के जनता का आह्वान हो गया है, इसके लिए हम बहुत बधाई अपने प्रधानमंत्री जी को देते हैं। पिता महात्मा गांधी जी की आज जन्म जयंती के शुभ अवसर पर नगर निगम हल्द्वानी में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिस प्रकार से भारत माता की स्वतंत्रता के लिए और साथ ही भारत माता स्वच्छ रहे, सुंदर रहे और भारत एक प्रकार का जो सांस्कृतिक राष्ट्र है, इस राष्ट्र के अंदर स्वच्छता का एक विषय महात्मा गांधी जी के हमेशा उनके जन्म में से लेकर लगातार इनके जीवन तक चलता रहा और महात्मा गांधी जी के इस जयंती के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज से 10 वर्ष पहले एक अभियान के रूप में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के अंदर इस अभियान को लिया और इसमें हर व्यक्ति को जोड़ने का, सरकार के कर्मचारियों को जोड़ने का, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो स्वच्छता का अभियान चले उसमें उसकी भी भागीदारी हो, ऐसा साथ में सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक घर के अंदर शौचालय हो, इस संकल्पना को, इस परिकल्पना को भारत की आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर गरीब व्यक्ति तक स्वच्छता का विषय पहुंचे, उस तक भी सुविधा पहुंचे, शौचालय पहुंचे, ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास शौचालय है।